अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास चार चार पांच पांच बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी, बताइए। वो तो रिपोर्ट मीडिया ने, आपने रिपोर्ट किया मीडिया ने। हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाएगा तो ये हिंदुत्व के ये ब्रिगेड को ये लॉ लाने की क्या जरूरत? या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसमें कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोअर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो ये योगी 56 इंच के खिलाफ जा रहे हैं या 56 इंच योगी के मातहत है? तीसरी बात यह है कि जो NFHS डेटा है जिसमें यह कहा गया कि जो 99-2000 का NFHS डेटा अभी तक नया वाला रिलीज नहीं हुआ, उसमें यह कहा गया कि TFR डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ है सच है बता दे बीजेपी वाले। चौथी बात यह है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, यानी वो तो गिर रहा है ना, यानी हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं गिरेगा, जब क्या करेंगे आप? पांचवी अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूं, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है, आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहां गई नौकरी आपकी? करोड़ों नौकरियां चले गए आपके कोविड के सेकेंड वेव के मिसमैनेजमेंट के बाद। कारोबार ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में यह कहा कि भारत में सीवियरली एक्यूट मेल नरिश जो चिल्ड्रन है, छह महीने से छह साल के दरमियान में, वो जुमला 9,27,000 है, जिसमें से 4 लाख तो उत्तर प्रदेश में है। इनको शर्म नहीं आती इस बातों पर कि पूरे गवर्नमेंट कह रही है पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कह रही है कि पूरे भारत में सिवियरली एक्यूट मेल नरिश जो चिल्ड्रन है 6 महीने 6 साल के दरमियान में 3 लाख 4 लाख करीब तो उत्तर प्रदेश में है, और आप फिक्र कर रहे हैं पॉपुलेशन की। अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ का मामला है, मैं चैलेंज कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ को, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, रूरल उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स का शॉर्टफॉल है? सब सेंटर्स होना चाहिए 34,726, आप कह रहे हैं खाली 20,000, और आप कर रहे हो पॉपुलेशन के ऊपर, शर्म नहीं आती उनको झूठ बोलते हुए? पब्लिक हेल्थ सेंटर्स 5,781 का रिक्वायरमेंट है, आपके पास खाली 2,936 है उत्तर प्रदेश में, इनको शर्म नहीं आती इसके ऊपर? धोखा दे रहा उत्तर प्रदेश जनता को। और फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 53% शॉर्टफॉल है, यही योगी सरकार का पोल मोदी सरकार खोलती है पार्लियामेंट में 22 नवंबर 2019 को, क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 4,509 डॉक्टर्स का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। कितने काम कर रहे हैं योगी के दौर में? 1,344। क्या प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देश की उत्तर प्रदेश जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब ये रिप्लाई है कि 4,509 डॉक्टर्स की जरूरत है, आप कहने खाली 1,344 काम कर रहे हैं? डेफिसिट है 2,277 का। ये चीजें नहीं करेंगे
खाली बस बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही चीज है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है, और इसका बेहतरीन जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। जब लाशें पानी में बह रही थी, कोविड के लिए ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, इसका जो जवाब ही नहीं है। मगर आप बोलेंगे हम पॉपुलेशन के ऊपर बिल बनाएंगे, सब झूठ है। इनके मेरे सवालों का जवाब दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। मैं आप मुझसे सवाल किए योगी सरकार के ये स्टेप का, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार ये कह रही उत्तर प्रदेश के बारे में, उनकी नाकामियों का पूरा खुलासा मैं आपसे कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। जो सरकार में उनसे सवाल हम कर रहे हैं, और सवाल करना चाहिए, उनकी पॉलिसी के ऊपर हमने ये सवाल उठाया है जो हम मानते हैं भारत के और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गलत ये इनका उठाना है। आप नाकाम क्यों हो रहे हैं? 4 लाख एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है आपके उत्तर प्रदेश में, शर्म नहीं आती उनको? डॉक्टर्स के पोस्ट हजारों में खाली हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होगा 2025 में। पॉपुलेशन जो आपका 60 इयर्स एंड अबव जो है वो 23.1 हो जाएगा आपका, ओल्ड एज 60 इयर्स का अबव पॉपुलेशन 2036 में। बताइए सब चीजें क्या है, फिर एक एक चीज का जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं जवाब देते हैं क्या ये लोग। क्या है, 93% सिर्फ औरतों का स्टरलाइजेशन होता है। आप राशन नहीं देंगे, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इस तरह का कानून भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले मैं क्या करूं मेरी बॉडी से? क्या मैं बोल रहा हूं आपको शादी करो जाके? क्या मैं बोल रहा हूं जिस बीवी को आप छोड़ के रखे हो उसको घर में ला के रख लो? मैं तो नहीं कह रहा हूं ना ये बात, मैं तो आपको छोड़ दिया हूं। आप नहीं करते मत करिए, नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाइए। मगर आप कौन होते भाई कि मैं ये, जब ये तमाम डेटा कह रहा है, प्राइवेसी है ना आपकी, आपकी प्राइवेसी है। मुबारक हो, हम आपको कभी नहीं आपके घर में झांक के नहीं बोलेंगे कि आपकी बेगम साहबा कहां है, किधर है, या आप क्यों नहीं कर रहे शादी, तो आप पे छोड़ दो, देश के ऊपर है। मगर आप क्यों होते बोलने वाले सब चीजें? तो संविधान के खिलाफ है ये। मैं जितने 6-7 पॉइंट को उठाया हूं, जी टीवी को चाहिए या तमाम आप चैनल्स को कि मुझे झूठा साबित करें आप। चलिए, अरे भाई आप भी पंडित वो भी पंडित, आप भी पंडित वो भी पंडित, हम तो गरीब मुसलमान है। अब पंडित डिसाइड करेगा मुसलमान जीतेगा नहीं जीतेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां पर दलित है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर ओबीसी है। अरे आप यकीनन आप बहुत बड़े हैं मैं जानता हूं, मगर हम भी तो छोटे नहीं है। उत्तर प्रदेश में खुद मैं फिर से कह रहा हूं, सेकेंड वेव में 3.5-4 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है जो योगी सरकार छुपा रही है। आपकी आवाज़,